Gomsi. Gomsi amundem, couple mentuane. Gomsi amundem. Gomsi amundem. Hey. हम लोग आज रानी गोमसी देखने के लिए आया था. पता नहीं चल रहा रास्ता तो मिल नहीं रहा. मतलब किसी को पूछना पड़ेगा. अभी पता नहीं. अभी यहाँ पे आगे है सिका तोड़े का एंट्रेंस पे आगे. सिका तोड़े और रानी के बीच में है ऐसा बता रहा. रानी गोमसी एक्चुअली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है. गूगल में मिल जाएगा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन. हमको भी ज़्यादा पता नहीं है. आसाम का सुतिया किंगडम का जमाना से है. अभी किसी को पूछते हैं यहाँ पे पता नहीं. इसके बाद ही पता चलेगा कुछ होगा क्या. नीचे है ऐसा बोला है. अब इस तरफ यहाँ से सीधा पता नहीं. पर हमको भी एक वो बताने वाला भी ठीक से नहीं पता है कहाँ पे. कि बस ऐसे बोला है नीचे में बोला. जाना पड़ेगा. अभी हम लोग वो जो से बात किया था बोला है कि वापस जाना पड़ेगा. एक ब्रिज दो ब्रिज पार करके. एक्चुअली हम लोग फर्स्ट वाला ब्रिज दिखाया था वीडियो में. सेकंड वाला नहीं दिखाया. उसको अभी दिखाएगा. उसको पार करके वापस जाके राइट में बोल रहे हैं. वो स्काई फील्ड में ऐसा बोल रहे हैं. तो हम लोग तो ऑनर से ही मिल रहे हैं एडवांस में. वो आपने लोग पैदल जा सकते हैं. ऊपर ऊपर से जाना चाहिए था कालबाग के सामने से. तो हम लोग यहाँ से जाएगा देख कर आएगा. उसके बाद वापस आकर आप लोगों को बताएगा कि आप मतलब गाड़ी लेके कहाँ से जा सकते हैं. अगर यहाँ से जाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा. रास्ता तो इतना ठीक नहीं है. ट्रैकिंग इज मोर फन. ठीक है तो अभी यहाँ से चलते हैं. अगर गलती से यहाँ से आ गया तो एक छोटा सा जो बेम्बो का बनाया वाला ब्रिज है इसको पार करके आई थिंक लैब से अभी हम ट्राई करेंगे. एकदम सामने से. थैंक यू. ठीक है अभी तो पता तो चल गया कि है. मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट है ऐसा बोलेगा तो पता नहीं चल रहा है. मंदिर मंदिर बोला तो समझ गया. अब यहाँ से सीधा जाना है. ओ देखो गेट है तो अब इसे गेट दिख रहा है. हाँ हाँ हाँ
वो वहाँ से आता है। आज का हम लोग का डिस्कवरी मतलब मैप पे भी नहीं दिखाई देता है, ऐसा जगह है। तो फाइनली आई थिंक दिस इज इट, या दैट्स अ बिग वन, चौथा वाला है यहाँ पे। मतलब ये देखिए, अरे ये आयरन वुड का पत्ता इतना छोटा वाला है, देखो नमजिंग ही नहीं है। आयरन वुड ही है ना? यस। वाओ, अच्छा स्पीशीज है। ओके, द हिडन आर्कियोलॉजिकल साइट पे जैसे ईटानगर में ईटा फोर्ट है, वैसे ही पासीघाट में गोमसी है, गोमसी रानी। Gomsi amundam kapal kapal mentuan eh Gomsi amundam Gomsi amundam bulu am belok ke mun mana ngol da bulu ni ni ko mam ko ni ko mam bulu tu eh ni ko am dung kuam la na Gomsi bulu me gom adilo pa palan to na makara pa ken tuan eh makara ba ken mang ai ngolu en ko da 62 de lai eh 62 de lai 62 12 tarik en ko lo agosto lo el arik patan na ngol arik palan ka to मिगोम गोमसी नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि आदि में ऑफिसर को मिगोम कहते हैं और मिगोम गोमसी मिगोम जहाँ रहता था उस जगह को मिगोम गोमसी कहते थे, इसके वजह से गोमसी नाम पड़ा। और इसको नॉट अंटिल 1962 12 अगस्त वो लोग डिस्कवर नहीं किया था, क्योंकि उस समय यहाँ पे असम किंगडम का कुछ आदमी रहते थे और वह लोग बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था, तो वहाँ पे ढोल वगैरह बजाते थे, तो वो लोग डरते थे कि इस तरफ जाने के लिए, तो कभी गया नहीं। लेकिन 1962 को आई गेस उन लोगों ने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए क्लियर किया फॉरेस्ट को, उसके बाद उन लोगों को मिला और उन लोगों ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बताया। वे लोग आया वहाँ पे, जो भी मिला जैसे पॉट्स था, केटल था, हुक्का था, जो ब्रिक्स था, उन सबको वापस रीबिल्ड किया और पोर्ट्स वगैरह को लोग डिपार्टमेंट वालों ने ले लिया और इसको आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर किया। तो वो लोग सुपरस्टिशियस बिलीफ है, अगर अभी भी आप जाए तो मतलब उन लोगों को सुपर नेचुरल पावर फील होता है। ये आदमी एक्सप्लेन कर रहा है कि वो एक बार बेहोश हो गया था इस जगह पे, मतलब पुराने ज़माने पे, नॉट नाउ। तो इसलिए वो लोग अभी भी पानोई करते हैं। पानोई मतलब इसमें वो लोग ऑफरिंग्स देते हैं पान तमुल गॉड को एनुअली। सो बस इतना ही। और देखिए पिनम करेगा, देखिए पिनम है ना करता हूं, पक देखिए है पिनम करता हूं ए अब देम है ताकि अली बन ताकि हूं ने वाला है पिला इन ने लो लल लगे लो किला इत ओ पाओ ना ए माने रे लो के जा रो को मह मन कल लल लई ए आई रोडे आई लुबी नाम लगा पा यही के आमुने कपे मंडो नहीं टैक टैक ताइक तसिंग है तोडे है। तो यही था गोमसी रानी आज के लिए, आना चाहिए देखने के लिए, कुछ खास तो है नहीं पर आई थिंक ढूंढने में काफ़ी मज़ा आएगा, कोशिश करके बताओ। सो कैमरामैन बुबलेश कुमार साइन ऑफ। आगे एक छोटा सा कलवर्ट है, कलवर्ट को पहुंचने से पहले ठीक लेफ्ट से, यहाँ से सीधा स्ट्रेट।